टेजर NFT पे अकाउंट कैसे बनाता है। किसी भी रिफरल कोड से आप ज्वाइन हो सकते हो, आपने मोबाइल से आप खुद ही अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। चलिए मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे नए तो वीडियो को सेव कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, टेजर NFT पे अकाउंट बनाने के लिए किसी का भी रेफरल कोड का जरूरत होता है, तो आप किसी से भी आप रेफरल कोड ले लीजिए या रेफरल लिंक ले लीजिए। तो वो लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने गूगल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने गूगल से फर्स्ट टाइम आपने साइन अप कर लीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसका खुद का ऐप पे जाके आप जो कि लॉगिन कर सकते हो। पहले आपको साइन अप करना है, यानी कि आपने अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए किसी का भी रेफरल कोड का लिंक पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे नीचे रेफरल कोड ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद ईमेल आईडी कोड, और उसके बाद आप साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूजर नेम देना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई भी नाम हो, जैसे मेरा नाम समीर मेहती, तो आप कोई भी एक यूजर नेम दीजिए। जब आपने जो वो यूजर नेम तब लगेगा जैसे कि आप कोई भी उसका जो ऐप होता है, ऐप पे जाके जब हर रोज़ आप काम करोगे तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड देके जो कि आप लॉगिन कर सकते हो ऐप को, तो उसी टाइम वही यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा। तो आपको वो यूजर नेम एंड पासवर्ड दोगे तो आप जरूर स्क्रीनशॉट करके रखिए या कहीं पे लिख के रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ SMR84 दे देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए। जो पासवर्ड आप यहाँ पे देना चाहते हो वो पासवर्ड नीचे भी सेम देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दे दिया और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आप दोगे उसी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना जो आप देना चाहते हो। और एक चीज़ आपको देना होगा कि जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो वो मोबाइल नंबर किसी और टेजर NFT पे ज्वाइन नहीं होना चाहिए, और जो ईमेल दे रहे हो वो भी ईमेल किसी और टेजर NFT अकाउंट पे ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी दे चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया है उसका यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है, क्योंकि उसी ईमेल पर एक कोड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक, उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट लिंक वेरिफिकेशन हो चुका है, और यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा और वो कोड यहाँ पे बिठाना है। तो आपने ईमेल आईडी ओपन कर लेना है। ठीक है, और एक चीज़ देना, आप जो भी कंट्री से आप बिलोंग करो वो कंट्री का यहाँ पे कोड देना पड़ेगा। जैसे मैं इंडिया से, तो मेरा इंडिया का कोड है, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी ओपन कर लेना है। अपना ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको उसी ईमेल पे एक कोड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल कहाँ है, तो मैं ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद उसी ईमेल पे एक कोड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर टेजर NFT ऑफिशियल जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जो ये रहा कोड है, और ये कोड आपको कॉपी कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद वहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन अप कर लेना। और जो पासवर्ड दिया था और जो आपने यूजर नेम दिया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो आप क्या है दोबारा आपने लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए, तो आप नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। अगर टिक मार्क ना आए तो कुछ बॉक्स फिलअप करना होगा, उसके बाद टिक मार्क हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे माई पे आ जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा अकाउंट पे सिर्फ वॉलेट बैलेंस है, ये जो $150 ज्वाइन फीस है, लेकिन इसमें आप काम नहीं कर पाओगे जब तक ना आप इस पे पैसा डालोगे। तो उसके बाद आप ऐप में कैसे जाओगे, तो यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा काम खत्म है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना। माई पे आकर सेटिंग पे आके आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना। उसके बाद यहाँ पे बाइंड भी करना होगा, तो किस प्रकार से करें उसके लिए मैं अभी वीडियो बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो पे आप देख सकते हो। या डिपॉजिट करने के लिए किस प्रकार से डिपॉजिट करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉग आउट कर देना। उसके बाद इसका ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ के प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है टेजर NFT। ठीक है, टेजर NFT लिख के आप सर्च करोगे तो यहाँ पे उसका ऐप आ जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपका खुद का नेट से आप इसे काम करना होगा, किसी और का नेट लेके आप काम नहीं कर सकते, और वाईफाई से काम नहीं कर सकते, और आपने खुद का ऐप जो मोबाइल के डेटा है उसी से आप काम कर पाओगे, नहीं तो काम कर सकते हो। अगर किसी और का नेट लेके आप काम करोगे तो आपने अकाउंट जो कि फायर हो सकता है या अकाउंट डिलीट हो सकते हैं। तो आपको करने के बाद यहाँ पे ऐप ओपन कर लेना। ठीक है, ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे माई पे आ जाना है। माई पे आने के बाद जो आपने यूजर नेम दिया था वो यूजर नेम और पासवर्ड दे देना होगा। ठीक है, तो मैं वो यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे जो पासवर्ड देता है वो पासवर्ड मैं दे देता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऐप ओपन हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए माई पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप माई पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए $150 सिर्फ वॉलेट पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको $100 या $50 डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे जो जीरो लेवल आ रहा है यहाँ पे एक लेवल पर आप जाओगे। एक लेवल पर जाने के बाद आप इस पैसे अर्निंग होगा। और यहाँ पे देखिए एक लेवल पे किस पैसे अर्निंग होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद आप क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपने अकाउंट को बाइंड करना पड़ेगा या आपने डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो सब कुछ आपको अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पैसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और टेजर NFT के जितने सारे अपडेट आएंगे और किस पैसे डिपॉजिट करना है, किस पैसे विथड्रॉ करना है पैसा वगैरह, वो सारे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस पैसे NFT पे डिपॉजिट करें उसके बाद काम करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।